नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। गैंगरेप एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है, मन खट्टा हो जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो गैंगरेप जैसी किसी संगीन वारदात को भी हथियार बनाकर किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं? तो आज वारदात में बात एक ऐसी ही जहरीली जोड़ी की, जो गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाकर लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन इस बार बाजी उल्टी पड़ गई और एक स्टिंग ऑपरेशन में इस जोड़ी की असलियत कैद हो गई। एक लड़की ने लगाई अपनी ही इज्जत की बोली, पहले लिखवा दी गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट वापसी के लिए करने लगी सौदेबाजी। पहले सीसीटीवी फुटेज ने खोली उसकी पोल, फिर स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गया कबूलनामा। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल है। मुश्किल है इस बात पर यकीन करना कि कोई लड़की खुद ही अपनी इज्जत की बोली लगा सकती है। मुश्किल है इस पर यकीन करना कि गैंगरेप जैसी दर्दनाक और कचोटने वाली वारदात पर भी कोई सौदेबाजी हो सकती है। और मुश्किल है ये सोच पाना कि कोई चंद रुपयों की खातिर इस हद तक नीचे भी गिर सकता है। मगर क्या करें, दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप के नाम पर ब्लैकमेलिंग और सौदेबाजी के इल्जाम में जिस जोड़ी को गिरफ्तार किया है उसकी करतूत ही कुछ ऐसी है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस जोड़ी का पूरा किया धरा तफसील से बताएं, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जिसमें ये ब्लैकमेलर जोड़ी खुद अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल करती हुई दिख रही है। और आपने बड़ा किसी भी ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा, अभी बयान क्या देना है ये बताओ। हाँ, ये कहूँगी मैं ऐसे से गई थी, ठीक आपको है? सच बोलना है, ठीक है, जो सच है वो बोलना है। अच्छा, हाँ बताओ। मैं यहाँ ऐसे से गई थी, जो कॉल पे फोन नंबर है, कॉल नंबर है ना, वो ये लोग नहीं है। जैसे मैंने उनको पहचाना ना, जो नंबर कॉल पे बोला तो मैं नशे की हालत में नंबर मिसप्लेस हो गया। जाना तो बोलना तो क्या क्या मतलब क्या बोलोगे आप, दोबारा बताओ। तो एक बात बताओ, बीच में बोर्ड पड़ते ना। बोलूंगी, मैंने सो नंबर कॉल करा था, उस समय नशे की हालत में थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने सो नंबर में जो नंबर बोला था, पुलिस वालों ने वो गाड़ी दिखाई, वो गाड़ी थी नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने वो लड़के भी दिखाए, वो लड़के नहीं थे। इसके अगर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती, मेरी मैरिज होने वाली थी। तो सुना आपने, यहाँ गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाने वाली लड़की अपनी पार्टनर के साथ खुद ही गैंगरेप के मुलजिमों से बात कर रही है, और न सिर्फ बात कर रही है बल्कि खुलेआम ये कह रही है कि कैसे वो अगली बार जब पुलिस के सामने बयान देगी तो खुद ही अपनी बातों से मुकर जाएगी। कह देगी कि जब ज्यादती हुई वो नशे में थी और पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ा ये न तो वो लड़के हैं और न ही ये वो कार है जिसमें उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। दरअसल ये कहानी है दिल्ली की उस जहरीली जोड़ी की जो घूम घूम कर अपने शिकार की तलाश करती थी, फिर ये कुछ लड़कों को टारगेट कर उन पर गैंगरेप का झूठा इल्जाम लगा देती, और जब शिकार जाल में फंस जाता तो फिर शुरू होता गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट के बदले ब्लैकमेलिंग और सौदेबाजी का खेल। लेकिन इस तरह एक के बाद एक कई लोगों को लूटने के बाद जब इस जोड़ी ने दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाने में 10 जून की रात गैंगरेप की जो आखिरी रिपोर्ट लिखवाई, वही झूठी रिपोर्ट इनके लिए जी का जंजाल साबित हुई। इनका भांडा फूट गया, लेकिन गैंगरेप के इल्जाम से ब्लैकमेलिंग का जाल बिछाने तक किसी को लूटने का इनका तरीका बड़ा ही अजीब और चौंकाने वाला था। अनुज मिश्र के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। बेगुनाहों को गैंगरेप के झूठे इल्जाम में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाली जोड़ी ने इस बार दो लड़कों को अपने जाल में फंसाया था। दो ऐसे लड़के
जो इस लड़की को जानते तक नहीं थे। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली, लेकिन ऐन मौके पर मिले एक सीसीटीवी फुटेज ने लड़की की चुगली कर दी। इस सीसीटीवी फुटेज में यह लड़की खुद नजर आ रही थी। दिल्ली, शुक्रवार 10 जून रात 11 बजे। पुलिस को 100 नंबर पर एक कॉल मिलती है। कॉल करने वाली लड़की बेहद परेशान है और बताती है कि एक मारुति स्विफ्ट कार में अगवा करने के बाद उसके साथ तीन लड़कों ने गैंग रेप किया है। चूंकि शिकायत बेहद संगीन है, कॉल सुनते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। फौरन एक पीसीआर वैन लड़की के बताए ठिकाने पर आईटीओ के करीब पहुंचती है, जहां पीड़ित लड़की और उसका एक दोस्त पुलिस को मिलते हैं। दोनों बताते हैं कि अभी वो निजामुद्दीन के कमसम रेस्तरां में डिनर के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में लड़की को एक स्विफ्ट कार में आए लड़कों ने अगवा कर लिया और चलती कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद गैंगरेप करने वाले लड़के उसे आईटीओ के पास फेंक कर चले गए। निर्भया कांड के बाद जब देश में गैंगरेप के मामलों को लेकर इतनी हलचल हो, ठीक उसी तर्ज पर फिर से दिल्ली में किसी लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की कहानी वाकई परेशान करने वाली थी। लिहाजा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तेजी से तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद पुलिस को तब पहली बार झटका लगा जब लड़की के बताए नंबर के मुताबिक उसने उस स्विफ्ट कार को ट्रेस किया जिसमें गैंगरेप की बात कही गई थी। ये बात उभर कर सामने आई कि उस रात स्विफ्ट कार में निजामुद्दीन तक जाने वाले लड़के तीन नहीं बल्कि दो ही थे और दोनों लगातार गैंगरेप के इल्जाम से हैरान हो रहे थे। ऐसे में पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने वाली लड़की पर शक होने लगा, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले तस्दीक करना चाहती थी और इसी इरादे से वो उस रेस्तरां तक भी पहुंची जिसके बाहर से लड़की के अगवा होने की बात कही गई थी। लेकिन रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज में उसे एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने उसके कान खड़े कर दिए। लड़की जब गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची तो उसने ये लिखा कि जब वो कमसम रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी तब रास्ते में उसे तीन लड़कों ने अगवा कर लिया। पुलिस ने जब केस की जांच शुरू की तो कमसम रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में लड़की रेस्टोरेंट के अंदर बैठी नजर आई। अब सवाल ये उठा कि अगर लड़की रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही अगवा हो गई थी तो आखिर वो रेस्टोरेंट कैसे पहुंची? अब लड़की के झूठ से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा था। पुलिस को तलाश थी कुछ और पुख्ता सबूतों की। दरअसल इस फुटेज में खुद को पीड़ित बताने वाली लड़की रेस्तरां के अंदर ही बड़े आराम से घूमती नजर आ रही थी, जबकि लड़की ने अपनी शिकायत में ये कहा था कि गैंगरेप करने वाले लड़कों ने उसे रेस्तरां तक पहुंचने से पहले ही अगवा कर लिया था। ऐसे में सवाल ये था कि फिर वो लड़की रेस्तरां के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हुई? जाहिर है लड़की झूठ बोल रही थी। उधर लड़के पुलिस से ये फरियाद तो कर ही रहे थे कि मामला झूठा है, साथ ही ये भी बता रहे थे कि पीड़ित लड़की और उसका दोस्त गैंगरेप की रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब मामला यू टर्न लेने को तैयार था और तभी पुलिस ने आखिरी सबूत के तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। ऑपरेशन झूठी शिकायत करने वाली लड़की और उसके दोस्त का। फिलहाल ये साजिश जो है पूरी तरह से पुलिस ने इस साजिश को बेपर्दा कर दिया है। लड़की और उसका दोस्त पुलिस गिरफ्त में है। अनुज मिश्र के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। पुलिस को अभी जहरीली जोड़ी के खिलाफ कई सबूत मिल चुके थे, लेकिन ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए उसे एक और सबूत का इंतजार था। लिहाजा पुलिस ने इस जोड़ी का शिकार बने लड़कों को ही उनका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर लिया। फिर इस जोड़ी ने खुफिया कैमरे पर ऐसी ऐसी बातें कही कि सुनने वाले भी बस सुनते रह गए। अमाउंट आप बोलो, मैंने पकड़ ली, मैं आपको दे रहा हूँ ना सारी। कौन मना कर रहा है? आपकी गाड़ी कौन सी? आप 2 लाख रुपए रखो अपनी गाड़ी में, बाकी 7.5 जन के हमारे पास रख दो। देखो आपको कितने पैसे दिए?
आपने मेरे को 47 दिए थे, ठीक है ना, समझ लो 50 ही दिए थे। हाँ 50, ठीक है। तो अभी 9:30 रह गए, आप 2 ले लो अभी, 7:30। वो कह रहे हैं मैं देख लूँ, सारे गिन लो, पैसे गिन लो कितने। आपकी गाड़ी कौन सी है? वो लाल रंग की लाइट वाली है ना, गिन लो। और ऐसा करो कोर्ट के बाहर चलो, ये अंदर जाएगी, आप जो है बैग ला दो, ठीक है। ये हिस्सा है उस स्टिंग ऑपरेशन का जिसे दिल्ली पुलिस के कहने पर उन लड़कों ने अंजाम दिया जिनके खिलाफ गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्ट का सच तो सामने आ ही गया, ये भी साफ हो गया कि कैसे रिपोर्ट लिखवाने वाली लड़की और उसका दोस्त अपने शिकार यानी मामले के मुलजिमों से FIR वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे थे। अभी ले लो थोड़े से 2 लाख, अभी ले लो, बाकी देखो आपको। पुलिस को शुरुआती जांच में ही लड़का लड़की की इस जहरीली जोड़ी पर शक हो गया था, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत की जरूरत थी और इसीलिए पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी तीनों लड़कों से इन दोनों का स्टिंग करने को कहा। और जब स्टिंग हुआ तो पूरा मामला साफ हो गया। स्टिंग में दोनों न सिर्फ पैसे की बात करते हुए नजर आए बल्कि केस से जुड़ी सच्चाई भी सामने आ गई। इस मामले में लड़की के बार बार बदलते बयान और लड़कों की बेगुनाही के एक के बाद एक कई सबूतों से अब मामला शीशे की तरह साफ हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने गैंगरेप का झूठा मामला खारिज कर उल्टा लड़की और उसके पार्टनर को ही गिरफ्तार कर लिया। अब गैंगरेप के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले ये दोनों धंधेबाज शिकंजे में आ चुके थे और साथ ही सामने आ चुका था इनका पूरा कच्चा चिट्ठा। अनुज मिश्र के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। ब्लैकमेलर जोड़ी आखिर कैसे फांसती थी अपना शिकार, इस ब्रेक के बाद। अब मुद्दई मुलजिम बन चुके थे और मुलजिम आजाद थे। गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के इल्जाम में पुलिस ने सपना नाम की लड़की और उसके दोस्त को एक साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि लाखों लुटवा चुके इस जोड़ी के शिकार और भी हैं। अब बाजी पलट चुकी थी, अब दिल्ली की ये जहरीली जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में थी और गैंगरेप के मुलजिम आजाद। लेकिन जैसे जैसे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती है, इस लड़की और उसके दोस्त के बारे में पुलिस को ऐसी ऐसी कहानियां पता चलती हैं कि खुद वर्दी वाले भी हैरान रह जाते हैं। सपना उम्र 21 साल, किशन उम्र 25 साल। ये पता चलता है कि इस जोड़ी ने ये हरकत कोई पहली बार नहीं की, जब किसी लड़के को रेप या गैंगरेप के जाल में फंसा कर उनसे रुपए ऐंठना चाहा, बल्कि ये जोड़ी तो ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी थी। दरअसल इस जोड़ी की मोडस ऑपरेंडी चौंकाने वाली थी। ये शिकार की तलाश में किसी रेस्तरां या फिर ऐसी ही किसी दूसरी जगह पर जाते, फिर जैसे ही वहां से कोई निकलता नजर आता उसका पीछा करते, फिर रास्ते में गैंगरेप की कहानी गढ़कर पुलिस को फोन कर देते। जब मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जाती तो शिकायत सही लगती, क्योंकि आरोपी और लड़के के मोबाइल फोन का लोकेशन साथ मिलता और इस तरह बेगुनाहों पर भी शिकंजा कस जाता। इसके बाद शुरू होता ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। लड़की और उसका दोस्त अपने शिकार को झूठे गैंगरेप के मामले में जेल भिजवाने की धमकी देते और शिकायत वापस लेने का ऑफर देकर रुपए मांगते। फिर सौदेबाजी शुरू होती और तब जबरन वसूली। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता लगा कि इस भी कंप्लेनेंट में इन्होंने 10 लाख के आसपास की मांग की है और 10 लाख लेने के बाद इस कंप्लेंट में भी ये होस्टाइल हो जाएंगे, तो उसी तरह हुआ। इन्होंने पैसे लिए और हमने रेड की, जिसमें 9.5 लाख इन्होंने दिए थे वो रिकवर कर लिए और जो लड़का है और जो विक्टिम है उनको हमने अरेस्ट किया। लेकिन अब ये जोड़ी पुलिस के शिकंजे में है और ये यकीनन पुलिस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है। अनुज मिश्र के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।